हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे काला धतूरे के पौधे को, जो कि हर्बल गार्डन के अंतर्गत उगाया गया है। यह हर्बल गार्डन नई दिल्ली में लोधी गार्डन के अंतर्गत बनाया गया है, जहां पर औषधीय पौधों की खेती की जाती है। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यही काला धतूरे का पौधा है। काला धतूरा एक पौधा है जिसके बारे में हमें कुछ विशेष बातों को अवश्य जानना चाहिए। काला धतूरा गहरे बैंगनी रंग का होता है और इसकी पत्तियां काली होती हैं। काले धतूरे के डंठल, टहनियां और पत्तियों की नसें गहरी बैंगनी रंग की होती हैं। काले धतूरे के फूल सुनहरे रंग के होते हैं। काले धतूरे को भगवान शिव का प्रिय कहा जाता है, अतः इसे आप शिवप्रिय भी कह सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार काले धतूरे को घर में लगाने से वैवाहिक रिश्तों में मजबूती आती है। काले धतूरे के बीज, पत्तियाँ और जड़ों का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों में किया जाता है। काले धतूरे के पत्तों का धुआं करके हम अस्थमा या दमा रोग को शांत कर सकते हैं। काले धतूरे के पत्तों का अर्क कान में डालने से, ईयर लोब डालने से आँखों का दर्द बंद हो जाता है। काले धतूरे की जड़ सूंघने से मृगी रोग, जिसे मूर्छा रोग भी कहते हैं, वह शांत हो जाता है। काले धतूरे के पत्तों को पीसकर लेप बनाकर लगाने से पैरों की सीजन और भारीपन दूर हो जाता है। धतूरे को आमतौर पर थार्न एप्पल या जिम्सन बीड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम शैतान की तुरही या पागल सेब भी कह सकते हैं, जो इसका नाम दिए गए हैं। काले धतूरे का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना गया है। जहाँ धतूरा विषैला माना जाता है, वहीं इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। महर्षि आचार्य चरक ने इसे कनक और महर्षि सुश्रुत ने इसे उन्मुक्त नाम से संबोधित किया है। उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। यह काला धतूरे का पौधा है। आयुर्वेद के ग्रंथों में काले धतूरे को उपविष वर्ग में रखा गया है। यदि काले धतूरे का इस्तेमाल सही मात्रा तथा सही आयुर्वेदिक पद्धति से किया जाए, तो यह मानव शरीर के लिए अमृत जैसा प्रभाव दे सकता है। इसका ऑयल बनाकर सेवन करने से पुराना गठिया, साइटिका और सर्दियों में होने वाले दर्द समेत अन्य कई समस्याओं का निवारण भी हो सकता है। यही जो हम आपको सामने दिखा रहे हैं, वह काला धतूरे का पौधा है, जो कि यहाँ पर हर्बल गार्डन के अंतर्गत उगाया गया है। गणेश जी की पूजन में भी इसकी एक पत्ती का अर्पण किया जाता है। या जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आपको हम बताना चाहेंगे कि कनकाश्यव नाम के आयुर्वेदिक दवा इसके विशेष रूप से आयुर्वेद में प्रयोग की जाती है। आशा करता हूँ कि यह जो मेरा वीडियो है, वह आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।